व्हाट इज अप एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को 5 मिनट के अंदर अंदर एनालाइज कर पाएंगे। मतलब कि हम अगर बात करें पाइथन के अंदर डेटा एनालिसिस की, किसी भी डेटा से यूजफुल इंसाइट्स निकालने की, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पैंडास लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पैंडास लाइब्रेरी के बारे में पता होना जरूरी है अगर हम क्या करना चाहते हैं, डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं। बट मान लीजिए कि अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी डेटा को एनालाइज कर पाएं, अगर आपको हल्की फुल्की पाइथन और हल्की फुल्की पैंडास लाइब्रेरी के बारे में पता है, तो कैसे आप लोग जस्ट 5 मिनट के अंदर अंदर पैंडास प्रोफाइलिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल कर कर क्या कर सकते हैं, सिंपली मतलब किसी भी डेटा सेट को एनालाइज कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपके पास स्प्रेडशीट है, चाहे वो CSV है और चाहे वो क्या हमारे पास मतलब एक्सेल फाइल है, तो उसको आप क्या कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। आपके पास पूरी की पूरी जो एनालाइजेशन रिपोर्ट होगी वो निकल के आ जाएगी, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देख लेते हैं, ये तरीका जब मुझे पता लगा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, तो देखते हैं इस तरीके के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि आपको पिप इंस्टॉल पैंडास कर लेना है, और उसी के साथ आपको पिप इंस्टॉल पैंडास डैश प्रोफाइलिंग भी कर लेना है। ये दो मॉड्यूल्स आपको पहले से इंस्टॉल कर लेने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं चलेगा। मैंने इनको पहले से इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मैं अभी पिप इंस्टॉल कर इंस्टॉल नहीं करूंगा। तो पैंडास की मदद से सिंपली हम क्या करेंगे, रीड करेंगे अपनी CSV फाइल को, और उसी के साथ साथ पैंडास अंडरस्कोर प्रोफाइलिंग की मदद से हम क्या करेंगे, सिंपली इसका इस्तेमाल कर हम क्या करेंगे, उसकी पूरी की पूरी एक प्रोफाइल रिपोर्ट बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ पैंडास को SPD, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, SPD पैंडास को मैंने एज अ PD इंपोर्ट किया। उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, फ्रॉम पैंडास डेट प्रोफाइलिंग इंपोर्ट करना है प्रोफाइल रिपोर्ट को। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे पैंडास को एलियास नेम देकर PD का यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। उसी के साथ साथ आपको पैंडास प्रोफाइलिंग को भी इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। पैंडास प्रोफाइलिंग से आपको प्रोफाइल रिपोर्ट फंक्शन को रिपोर्ट करना है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली CSV फाइल है countries.csv, इसके अंदर क्या है, अलग अलग years के अंदर जो populations हैं अलग अलग countries की वो बताई गई हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास कुल 1700 तक का डेटा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, आप एनालाइज करूँगा सिंपली, हम यहाँ पर क्या करेंगे, pd.read_csv फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और उसके अंदर हम पास कर देंगे उस CSV फाइल या उस एक्सेल फाइल का नाम जिसे हमने क्या करना है, एनालाइज करना है। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया countries.csv। तो इसको हमने यहाँ पे पास किया, जब इसे रीड करेगा तो उसका एक डेटा फ्रेम बना देगा जो उसके अंदर रिटर्न करेगा। डेटा फ्रेम क्या है, बेसिकली जब हम किसी स्प्रेडशीट को रीड करते हैं पाइथन के अंदर, तो वो एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाती है। तो डेटा फ्रेम में ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है सिंपली प्रोफाइल रिपोर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना है, और मैं लिखूँगा यहाँ पे सिंपली प्रोफाइल रिपोर्ट और DF, मतलब कि इस डेटा फ्रेम की एक प्रोफाइल रिपोर्ट बना दो। ये प्रोफाइल रिपोर्ट बनाकर क्या करेगा, इसके अंदर रिटर्न करेगा, और हमें क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पे इस प्रोफाइल को HTML में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा profile.to_, यहाँ पे फंक्शन होता है हमारे पास फाइल to_file, तो यहाँ पे आउटपुट जो मुझे फाइल चाहिए वो क्या होगी, उसका नाम मैं रखूँगा मेरा mydatainfo.html, और ऐसा करने के बाद मैं यहाँ पे इसे क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को सेव कर दूँगा। तो मैंने सिंपली सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे countries.csv जो मेरे पास स्प्रेडशीट थी उसे रीड किया, उसका एक डेटा फ्रेम बनाया, उस डेटा फ्रेम को हमने क्या किया, प्रोफाइल रिपोर्ट फंक्शन के अंदर पास किया, ताकि हमारे पास एक प्रोफाइल बन जाए उस डेटा की, पूरा का पूरा उस डेटा की एनालाइजेशन निकल जाए। और उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, इसे HTML फाइल में कन्वर्ट कर देना है। जैसे मैं इसे सेव कर यहाँ पे रन करूँगा इस प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे होगा क्या, सिंपली जो क्या होगा हमारा ये गाइस, अब देखिएगा कि आप यहाँ पे लोडिंग होने के बाद क्या है, हमारी जो है वो एक डेटा एनालिसिस की जो प्रोफाइल वो बन चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी करंट डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा जल्दी से, उसके अंदर जाकर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा डेटा एनालाइज हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं D ड्राइव के अंदर आऊँगा, D ड्राइव के अंदर आने के बाद यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद हम जब क्या करेंगे, सिंपली जाएँगे यहाँ पर mydatainfo के ऊपर, और यहाँ पे इसे ओपन करेंगे। जैसे मैं इसे ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि हमें अपने डेटा की पूरी एनालाइजेशन जो है वो मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं
ये थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में, तो प्रोफाइल रिपोर्ट हमें मिल जाएगी इसकी पूरी की पूरी। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं जस्ट 5 मिनट के अंदर। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है नेट स्लो होने की वजह से, तो इसका हम थोड़ी देर वेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पे सब कुछ क्या हो चुका है, बिल्कुल तरह से एनालाइज हो चुका है 1960 अलग अलग ईयर्स के हिसाब से। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में ने सब कुछ बता दिया हमें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कंट्रीज़ सब कुछ आपको पूरा निचोड़ निकाल कर दे देगा आपके डेटा का कि कैसे कैसे वो हो रहा है। सिंपली कोरिलेशन ये आपको सभी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू, जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे 3 दे दिया उसने, ठीक है, उनको कैटेगराइज कर दिया सब कुछ इसने आपके डेटा को सिर्फ 5 मिनट के अंदर क्या कर दिया, यहाँ पे एनालाइज जो वो कर दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कुछ चीज़ समझ आई कि कैसे हम अपने डेटा को 5 मिनट के अंदर एनालाइज कर सकते हैं। तो मिलती है आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।